मुझे पता था मामा, मुझे इसी बात का ही डर था। आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। मैं मुताहिर को कहूंगी कि आज ही आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले ले। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। बस आज शाम को मैं और मुताहिर आ रहे हैं और आपको डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। अम्मी अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तुम नसरीन आंटी की भतीजी हो ना, यहाँ कैसे? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो। तुम्हारा घर? आंटी ये क्या कह रही है? उसका अपना घर मतलब? अनिका, तुम इस तरह से अचानक आओ मेरे कमरे में, चलो। क्या हो रहा है ये सब, और ये यहां क्या कर रही है? आंटी आप चुप क्यों हैं? बताएं ना इसे कि मैं यहां क्या कर रही हूं। मुताहिर ने शादी की है मुझसे, बीवी हूं उसकी मैं। ये मेरा घर है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम जानती भी हो कि तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं मुताहिर की बीवी हूं, क्या क्या ये बकवास क्या कर रही है? ये क्या कह रही है? ये खामोश क्यों है फूफा? जवाब दे, कौन है ये? अच्छा, तो आप लोगों ने ये ड्रामा करना था मेरे साथ, तभी आप सब ने मिलकर झूठ बोला और मुझे मेरी मां के घर भेज दिया। क्या हो क्या रहा है ये सब कुछ? और मुताहिर ऐसा नहीं कर सकता। कहां है मुताहिर? मैंने कहा कहां है मुताहिर? अनिका, मुताहिर, ये सब क्या है आंटी? ये क्या हो रहा है? ताहिर की बीवी? जी ठीक है, मैं फोन करके बता दूंगी। ओके, खुदा हाफिज। अरे भाभी जान, आप यहीं बैठी हैं, गई नहीं? मैं तो समझी आप उन लोगों के साथ गई होंगी। कहाँ जाने की बात कर रही हो सुल्ताना? आपको पता ही नहीं भाई जान, उमेर को और फातिमा को शॉपिंग के लिए लेकर गए, तो मैं समझी आप भी साथ ही गई होंगी। शॉपिंग के लिए? किस बात की शॉपिंग? बेटे की शादी की शॉपिंग हो रही है और अम्मी को कुछ पता ही नहीं। हद है भाभी, बहुत बेखबर माँ है आप तो। कैसे हो सकता है? मंसूर ने तो मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। भाई हो सकता है बताना भूल गए हो, लेकिन उमेर को तो आपको बताना चाहिए था ना भाभी जान। अगर आप नहीं मानती, नाराज हैं, तो आपको जिद करके मना लेता। आपने कब उसकी कोई जिद मना की है? कब टाली है? ये भी हो सकता है कि उसने फातिमा से जिक्र किया हो और फातिमा ने ही उसे मना कर दिया हो। वैसे फातिमा है बहुत तेज। भाभी जान, शादी से पहले ये हाल है, मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद तो वो उमेर को आपसे बिल्कुल ही अलहदा कर देगी।
ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी, तुम देख लेना सुल्ताना।